हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान बिजली विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाले जाने वाली थी उसके रिगार्डिंग। यहाँ पे आज के पेपर में एक न्यूज़ जारी की गई है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें आपको दिया गया है कि राजस्थान बिजली विभाग की जो वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी आने वाली है और कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, तो यही सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है आज के पेपर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये आज की पेपर की कटिंग है, ये दैनिक जागरण की पेपर की कटिंग है। आज के पेपर में यहाँ पर निकाला गया था, आप देख सकते हो, सरकार ने दी मंजूरी कोरोना खत्म होने के बाद परीक्षा। तो यहाँ पर जब जो सारी चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी तो यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है खुशखबरी, पांचों सरकारी बिजली कंपनियों में होगी 1540 भर्तियाँ। तो यहाँ पे पांचों सरकारी जो बिजली कंपनियाँ हैं उसकी तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जयपुर से यहाँ पे लिखा गया आपको, कोरोना संकट के बीच बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम समेत 5 सरकारी बिजली कंपनियों में 1540 इंजीनियरों, अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती होगी। सरकार व वित्त विभाग ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्री बीडी कला ने कहा कि कोरोना के मामलों में कमी के बाद ही भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि जब कोरोना थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ही यहाँ पे इसका एग्ज़ाम जो है वो कराया जाएगा। अगले महीने भर्ती विज्ञापित जारी की जाएगी, यानी कि अगले महीने सितंबर में जो है वो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इस वैकेंसी का। तो यहाँ पर सितंबर के महीने में ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और यहाँ पर सितंबर के महीने से ही आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर बात कर ले कौन कौन सी पोस्ट निकाली जाने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन पदों पर होगी नियुक्तियाँ। तो यहाँ पर जो 1025 पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए निकाली जाएगी। तो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए BE/BTECH वाले अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा वालों को भी मौका दिया जाएगा, तो डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो 15 पोस्ट है वो निकाली जाएगी लेखा कार्मिक विक के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे टेक्निकल पोस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 15 पोस्ट जो है वो लेखा कार्मिक विक के लिए निकाली जाएगी। उसके तो यहाँ पे 500 पोस्ट जो है वो मंत्रालय कर्मचारी के लिए निकाली जाएगी, जिसमें कि LDC का पोस्ट आता है और जूनियर अकाउंटेंट का पोस्ट यहाँ पे आता है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट यहाँ पे आती है। इसके अलावा और भी पोस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी। तो यहाँ पे 500 पोस्ट इन पोस्ट के लिए 500 वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बात कर ले आवेदन के लिए क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे एक ही जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो भर्तियों के लिए एक आवेदन होगा, यानी कि एक ही यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। उसके बाद जो आपका पोस्ट रहेगा उसको यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हो, VNL या JVNL के अंदर आप जाना चाहते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपना पोस्ट का प्रेफरेंस देना रहेगा। तो ये यहाँ पे कुछ नए चेंजेस किए गए हैं इस बार। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया है चयन के बाद काउंसलिंग में मेरिट वैधता पर पोस्टिंग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया है कि प्रक्रिया में वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं होगी, यानी कि इस बार जो है वो वेटिंग लिस्ट को हटा दिया गया है। तो यही आपको यहाँ पर इस पेपर कटिंग में दी गई है इस वैकेंसी के बारे में, राजस्थान में जो बिजली विभाग की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें क्या डिटेल्स आपको दिए गए वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो इसमें अप्लाई कर पाए, तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।